सब्सक्राइब कीजिए त्यागी जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल त्यागी जी टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्मार्ट बैंड की। तो दोस्तों, ये स्मार्ट बैंड कलर डिस्प्ले के साथ आता है और दोस्तों ये बहुत ही बजट प्राइस में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इस बैंड के फीचर्स और करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, बॉक्स के फ्रंट में आपको इस बैंड की एक इमेज मिल जाती है और बॉक्स के बैक साइड में इस बैंड की कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी है जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, हम इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं अपने बैंड को। और दोस्तों, बॉक्स ओपन करते हैं यहाँ पे आपको इस बैंड की एक यूज़र मैनुअल मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको ये बैंड कैसे यूज़ करना है। और दोस्तों, इस यूज़र मैनुअल में आपको एक QR कोड मिलता है जिसकी मदद से आप इस बैंड की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। और दोस्तों, ये रहे इस बैंड के स्ट्रैप्स। तो दोस्तों, इन स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत लाइट वेट स्ट्रैप्स है ये। तो दोस्तों, इन स्ट्रैप्स को रखते हैं हम साइड में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मेन स्मार्ट बैंड। और दोस्तों, इस बैंड में आपको 0.93 इंचीज की कलर LCD डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों, बैंड के बैक साइड में आपको मिलता है हार्ट रेट सेंसर। और दोस्तों, जो बैंड का ऊपर का हिस्सा है, आप ये किसी भी USB पोर्ट में लगा के इस बैंड को चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों, इस बैंड का जो वेट है वो 25 ग्राम है जो कि बहुत ही लाइट वेट है। और दोस्तों, यहाँ पे बैक में आपको मिलता है हार्ट रेट सेंसर। तो दोस्तों, इस बैंड को आपको अपने फोन से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन में यूहो स्पोर्ट ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों, आपको अपने फोन में प्ले स्टोर खोलना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है यूहो स्पोर्ट ऐप। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको नंबर वन पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो दोस्तों, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन करूँगा। तो दोस्तों, ऐप्स ओपन होते ही यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको यहाँ से अलाउ करना है। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इस एप्लीकेशन का। और दोस्तों, यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके अलाउ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ से आपको अपने बैंड को कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे LM707 लिखा रहा है, तो आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है इस पे क्लिक करके। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहा है साइनिंग। तो दोस्तों, अब हमारा बैंड हमारे फोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको सारी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है, जिससे आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके स्मार्ट बैंड पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको स्मार्ट अलार्म का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप अलार्म सेट कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे फाइंड बैंड का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोस्तों, यह है इस बैंड का मेन इंटरफेस। और दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टेप्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको पता चलता है कि आप पूरे दिन में कितने स्टेप्स चले हो। और दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस पता चलती है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है इस बैंड को पहनने के बाद। और यहाँ पे कैलोरीज और आपको यहाँ पे हार्ट रेट का भी पता चल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर भी अपना पता चल जाता है। और दोस्तों, ये रही इस बैंड की बैटरी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको उसे प्रेस करके रखना है। और दोस्तों, यहाँ से आप अपने बैंड को पावर ऑफ कर सकते हो।
दोस्तों इस स्मार्ट बैंड में आपको दो इंटरफेस मिलते हैं, एक तो 12 आवर्स का, एक 24 आवर्स का। जिस बैंड की मेन स्क्रीन अगर आप इस पर प्रेस करके रखोगे तो आप इसके इंटरफेस को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों आपको इस बैंड में नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, अगर आपके फ़ोन पे कोई मैसेज आता है तो वो मैसेज आप इस बैंड पे पढ़ सकते हो। और दोस्तों ये स्मार्ट बैंड मैंने 399 रुपीज़ का अमेज़ोन से परचेज़ किया है। अगर आपको ये बैंड परचेज़ करना होगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टैक और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।